प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को रोज़ आपका जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसका आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम सभी सॉल्व करते हैं विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट, कक्षा है पंचम। 26 अप्रैल की हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, आप सभी थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिए। प्रश्न नंबर पहला हमसे ऐसे पूछा गया है, एक गेंद लीजिए और दिए गए चित्र के अनुसार उस पर स्केच पेन की मदद से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा विषुवत रेखा को दर्शाइए तथा उसका चित्र अपनी कॉपी पर भी बनाइए। देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक बॉल लेनी है, ठीक है, गेंद आपको लेनी है। उसमें बच्चों देखिए, आप सभी को आपकी जो दिशाएं हैं वो पता होगी, ठीक है, ये उत्तरी होती है और ये दक्षिणी होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, एक गेंद लेनी है, उस पर आपको स्केच पेन से किसी भी रंग से उसको रंग देना है। उसके बाद उसका उत्तरी ध्रुव आपको बनाना है, जो कि आपको पता है कि ऊपर की तरफ होता है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो होता है नीचे की तरफ, ठीक है। और उसमें बच्चों इस तरह से बीच में एक रेखा बनानी है हमें, गोल सी, इस तरह से आधी गोल, इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा क्या होती है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटती है, दो भागों में जो बांटती है रेखा, उसे विषुवत रेखा हम बोलते हैं। अब ऐसा का ऐसा चित्र आप सभी को अपनी कॉपी में भी बनाना है। अब देखिए बच्चों, आप गिलास से या फिर चूड़ी से या फिर कटोरी से गोल, एक आपको गोला बनाना है, उसमें ऊपर की तरफ आपको उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव दर्शाना है, और उसके बाद विषुवत रेखा आप सभी को उसमें बनानी है। इस तरह से आपको अपना ये जो प्रश्न नंबर एक है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। जीवन कौशल, सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ऐसे 10 कार्य लिखे जहाँ सूर्य की आवश्यकता होती है। तो बच्चों देखिए, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता है कि जो हमारा जीवन है उसमें सूर्य की बहुत महत्व है। तो बच्चों, आप सभी को जो सूर्य है उसके ऐसे कोई 10 कार्य लिखने हैं, ठीक है, तो लिखिए। चलिए तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी ना थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसे पहला नंबर है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है हमें। दूसरा है, सूर्य हमें विटामिन डी देता है। ठीक है बच्चों, सूर्य की रोशनी हमें डिप्रेशन से दूर रखती है, डिप्रेशन से दूर रखती है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, हमारा हाजमा ठीक रहता है, हमें शारीरिक शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है,
रक्त संचार हमारा, रक्त संचरण सुधरता है, ठीक है। कैंसर से हमारा इससे बचाव होता है, सूर्य की रोशनी हमें दिन और रात का समय बताती है, रात का समय बताती है। सूर्य की रोशनी हमारे कपड़े, अन्य चीज़ें, अन्य गीली चीज़ें सुखाने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो क्या है, सूर्य की रोशनी में बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है। तो सूर्य की रोशनी में बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को जो हमारा सूरज है उसकी रोशनी में आप सभी को बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चों देखिए हमें सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और उसमें बच्चों जो रोशनी होती है उनमें बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है। बच्चों हमें सूर्य की रोशनी धूप में मतलब कम से कम 5 से 10 मिनट मिलना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप सभी को देखिए बच्चों, रोज़ 5 से 7 मिनट धूप में बैठना है, ठीक है। इसमें बच्चों जो रोशनी होती है ये हमारे बहुत शरीर के लिए बहुत कारगर होती है, इनसे बच्चों काफ़ी तरह की बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो मैं देखो बच्चों, हमारे यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। तो आप सभी देखिए बच्चों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आप सभी को फिर से बता दे रही हूँ। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य हमें विटामिन डी देता है, सूर्य की रोशनी हमें डिप्रेशन से दूर रखती है, हमारा हाजमा ठीक रहता है, हमें शारीरिक शक्ति मिलती है, रक्त संचरण सुधरता है, कैंसर से बचाव होता है, सूर्य की रोशनी हमें दिन और रात का समय बताती है, सूर्य की रोशनी हमारे कपड़े, अन्य गीली चीज़ें सुखाने में मदद करती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी में बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है, ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। अगला देखिए बच्चों, आज का खाना, खाने में आप सभी को क्या खाना है, दलिया, खिचड़ी या कुछ भी पौष्टिक भोजन। बच्चों वो कोई भी आपको हेल्दी पौष्टिक भोजन खाना है, आज का पेय है आपको दूध पीना है, अपने परिवार के साथ घर पर खेलें। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो आप सभी को अपने घर में ही रहना है और अपने घर में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना है, बाहर आप लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना है, ठीक है। तो आप सभी अपने परिवार के साथ एक खेल खेलेंगे। गतिविधि, साफ सूखे कपड़ों को समेटे और अपने घर की धूल झाड़े। देखिए बच्चों, आपकी माता ने कपड़े धोए होंगे तो उन सूखे कपड़ों को समेटें, अच्छे से तय करें और अपने घर की धूल को झाड़ें, ये आप लोगों का आज का कार्य है। आया सभी को समझ में। चलिए बच्चों, महावीर जयंती 25 अप्रैल 2021। देखिए बच्चों, 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती है,
यह जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए जो महावीर जयंती है वह जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बच्चों, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी जी थे उनके जन्म के उपलक्ष्य में महावीर जयंती मनाई जाती है। तो बच्चों, आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो महावीर जयंती हैं वो जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो 24वें तीर्थांकर थे महावीर स्वामी जी, उनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया अच्छे से? तो बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को पूरी कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको जो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।